भोपाल में हुए यूनियन कार्बाइड हादसे की 2 दिसंबर को 37वीं बरसी है। ऐसे में अभी राज्य और केंद्र सरकारों की तरफ उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। बुधवार को गैस पीड़ित संगठनों के नेताओं ने इस मामले को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला है और कहा है कि 37 साल बाद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एड्स एक्शन की रचना डिंगरा ने कहा है कि हम जानते हैं कि दुनिया को पता चले कि विश्व के सबसे भीषण औद्योगिक हादसे में 37 साल की भी भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा है कि हमें यह बताते हुए खेद हो रहा है कि किसी भी भोपाली को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है और आज तक कोई भी अपराधी 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं गया है। इसका कारण यह है कि हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें और अमेरिकी कंपनियों के बीच साठगांठ आज भी जारी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भीड़, संभावित हानिकारक दवाओं का बेहिसाब और अंधाधुंध इस्तेमाल और मरीजों की लाचारी वैसी ही बनी हुई है जैसी हादसे की सुबह थी। रचना ने कहा है कि आज यूनियन कार्बाइड की गैसों के कारण फेफड़े, हृदय, गुर्दे, तंत्रिका तंत्र और रोग प्रतिरोध तंत्र की पुरानी बीमारियों के लिए इलाज की कोई प्रमाणित विधि विकसित नहीं हो पाई। भेजा जा रहा है क्रिमिनल क्या है उनका, तो डाउ केमिकल ने यूनियन कार्बाइड को 2001 में खरीदा। जब डाउ केमिकल ने यूनियन कार्बाइड कंपनी यूएसए को खरीदा तो यूनियन कार्बाइड कंपनी यूएसए एक भगोड़ा घोषित थी हमारे देश की अदालतों द्वारा, ठीक है। तो भगोड़े को शरण देना अपने आप में एक क्राइम है, राइट। तो भोपाल जिला अदालत ने समन भेजने शुरू किए डाउ केमिकल कंपनी अमेरिका को 2014 से कि आप यहां आइए और बताइए कि आप ने जिस भगोड़े को शरण दी हुई है, मतलब यूनियन कार्बाइड कंपनी, उसको आप हाजिर क्यों नहीं करते हैं। 2014 से लेकर 21 तक 6 समन भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सीबीआई को भेजे, सीबीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनका जो काउंटर पार्ट है अमेरिका सरकार में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उनको भेजे और वो सारे समन दरकिनार किए गए। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो कंपनी इस देश के कानून ना माने, जो कंपनी इस देश के कानूनों को ठेंगा दिखाए, उस कंपनी को आप कैसे पूंजी निवेश करने दे सकते हैं। 2014 से लेकर अभी तक जो मार्केट शेयर डाउ केमिकल का है वो लगभग 3 से 23% तक बढ़ा है सिर्फ इन लास्ट 6 सालों की अगर हम बात करें, जब से समन भेजा जा रहा है। तो उनके लगाम कसना तो दूर, उनको तो पूरी फुल छूट है कि आप कुछ भी करिए क्योंकि पीछे सरकार है जो उनको बचा लेगी। और ऐसे ही अभी मैं ये भी बताना चाहती हूँ, इसमें सीबीआई ने हाल में सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के केस में एमलैट के अंडर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जिसे बोलते हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से मदद मांगी है कि उनकी मदद की जाए ताकि वो जितनी भी डिलीटेड उनकी फेसबुक की चैट्स हैं और वो सब सामने आ सके। और इसी ट्रीटी के अंतर्गत डाउ को समन के लिए भेजा जा रहा है, पर आज तक सीबीआई ने कभी यह नहीं किया कि फोन उठाकर अपने काउंटर पार्ट से बोले कि क्यों 6 साल से इस समन को दरकिनार कर रहे। तो ये कुल मिला तो हम जो आउटलॉर्स हैं उनके लिए क्या कानून अलग होगा। हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों 37 साल बाद भी गैस पीड़ितों को इंसाफ और इज्जत की जिंदगी नहीं मिल पाई है। हम पूछ रहे हैं कि क्यों इतने साल बाद भी जो रोजगार के लिए पैसे आए हैं और पड़े हुए हैं सरकार के पास पिछले 10 सालों से, वो क्यों नहीं खर्च हुए और किसी भी इंसान को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। आज के दिन हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों को ना तो इंसाफ और इज्जत की जिंदगी मिली है और उसका कंपनियों के साथ साठगांठ कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या अभी भाजपा की सरकार रही हो, दोनों ने गैस पीड़ितों को धोखा दिया है। चाहे आप अस्पतालों की भीड़ देख लें, संभावित वहां पर जो हानिकारक दवाइयां दी जा रही हैं उनको देख लें, उनकी हालत, मरीजों की हालत आज हमारे साथ आए हैं कि वही है जो उस हादसे के दिन थी। जब तक दवाई खाएंगे तब तक आराम रहेगा, क्योंकि सरकार आज तक कोई इलाज का तरीका निर्धारित कर ही नहीं पाई है कि गैस पीड़ितों का इलाज कैसे हो सकता है। और वो इसलिए नहीं कर पाई है क्योंकि यूनियन कार्बाइड कंपनी के पास सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है कि ये गैस लगने से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, लॉन्ग टर्म क्या असर होगा, वो सब कार्बाइड के पास है। पर वो ट्रेड सीक्रेट का बहाना लेकर हमारी
सरकार को जानकारी नहीं दी है और हमारी सरकार में दम नहीं इतना कि वो कार्बाइड कंपनी से ले सके। आज हम ये भी पूछ रहे हैं कि जिस कंपनी को बुला बुला कर हमारी भोपाल की जिला अदालत थक गई है, 6 बार डाव केमिकल कंपनी को जब 6 समन किया जाता है और वो समन्स को दरकिनार करती है, तो क्यों ऐसी कंपनियों को हमारे देश में व्यापार करने की इजाजत दी जाती है? क्या हमारे देश की सरकार दाऊद इब्राहिम को यहाँ पर पूंजी निवेश करने की इजाजत देंगी? नहीं देंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। तो आज दाऊ केमिकल को क्यों इस देश में व्यापार करने दिया जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि जो पर्यावरणीय क्षति पहुंची है भूजल और मिट्टी को, 3.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसे रसायन पाए गए हैं जिनका जहरीलापन 100 साल तक रहता है, उन्हें प्रसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ये जानकारी होने के बाद भी सरकार इसकी सफाई क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि जमीन तो उन्हीं के अंडर में है, आज तक उन्होंने सफाई और मुआवजा का दावा क्यों नहीं ठोका है इस कंपनी ने? अंत में हम ये देख रहे हैं कि जो गैस पीड़ितों के माता पिता को बच्चे पैदा हुए हैं, उनके अंदर 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो है जो जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा हो रहे हैं, और जो दूसरे हैं जिनमें बढ़त की कमी है। ये खास करके पुरुषों में देखा गया, और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया है उनके हैं। BMHRC ने 25वीं साल पे जो शोध छापा है उसके आंकड़े हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जो शोध अध्ययन छपे हैं वो ये बताते हैं कि गैस पीड़ितों के पैदा हुए बच्चों में आज भी समस्या है, जन्मजात विकृति है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है जब 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, जो ICMR द्वारा संचालित है, जब उन्हें यह पता लगता है कि गैस पीड़ित माताओं के जन्म में बच्चों में 7 गुना ज्यादा जन्मजात विकृति है अगर तुलना की जाए अपीड़ित माताओं के जन्म में बच्चों को। जैसे ही ये प्रीलिमिनरी फाइंडिंग आती है वैसे ही रिसर्च दबा दी जाती है। इससे ज्यादा और बड़ा विश्वासघात गैस पीड़ितों उनके बच्चों के साथ क्या हो सकता है? तो आज 37 साल बाद हम ये बताएं कि इस दुनिया को बताएं कि विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के लोगों को आज भी ना तो इंसाफ मिल पाया है और ना ही इज्जत की जिंदगी, और बाकी सिर्फ खोखले वादे हैं। दाव को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बड़े शर्मनाक शर्म की बात है कि 37 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, गुजर गया, लेकिन आज तक पीड़ित अपने हक के लिए भटक रहे हैं, और 37 दिन से हम लोग 37 मांगों सवालों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी सवाल का जवाब हमें नहीं मिला है, और ना ही कोई सरकार ने हमारी तरफ देखा। हमने बुलाने की भी कोशिश की कि वह आप आए और हमारी बात को सुने, लेकिन उन्होंने उस बात को भी नजरअंदाज किया। हमने उन्हें फोन भी किया, लेटर भी दिया, मिलने भी गए कि आप हमारे धरने पे आइए, हमें 37 सवालों का जवाब दीजिए। 37 साल हो गए हैं और भोपाल के लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पे स्मारक बनाना चाहते हैं, जो कि 1000 लाखों टन केमिकल वहां पे दबा हुआ है, उसको बात को दबाते हुए 370 टन कचरा पड़ा हुआ है, जो कचरे रूम के अंदर बंद है उसकी बात करते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जो दबा हुआ है जिससे कि गांव शहर के शहर पूरे बर्बाद हो जाएंगे, 5 किलोमीटर से आगे वो पानी जहरीला निकल चुका है, और रिपोर्टों में सुप्रीम कोर्ट मान रही है कहां से इतना जहरीला पानी, लेकिन उसके बाद भी उस पर स्मारक बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। ये इससे बड़ी बात शर्म की और कोई हो ही नहीं सकती है कि पीड़ितों को एक साइड करते हुए दर दर भटक रहे हैं, आज तक हक नहीं दे सकी है। हमारी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने इस तरह से नजरअंदाज किया है कंपनी को बचाने के। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।